बाबू नारा, कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जो है ना इतनी अच्छी तरह से तेलुगु सीख पा रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स जब आप पहली बार फोन करके कहते हैं मैडम मुझे तेलुगु सीखना है, और क्लास ज्वाइन करने के बाद बोलते हैं मैडम तेलुगु लो माटलाड़दावा। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स कि अब जो है ना आप इतनी अच्छी तरह से तेलुगु सीख गए हैं। निश्चित रूप से फ्रेंड्स किसी भी भाषा को सीखने में जो परेशानी होती है और सीखने के बाद जो मजा आता है उसे मैं महसूस कर चुकी हूँ। बहुत अच्छा लगता है और बहुत सारे अपने काम जो है ना बहुत आसान हो जाते हैं, साथ ही साथ हमें बहुत कॉन्फिडेंस भी मिलता है। तो फ्रेंड्स यदि तेलुगु सीखना है तो मन तो लगाना ही पड़ेगा। आज हम लोग बातें करेंगे आने जाने के बारे में। बहुत ज़्यादा दिक्कतें तभी होती हैं जब हम किसी अननोन प्लेस पे जाते हैं, वहाँ से वो कितना किलोमीटर होगा, हम लोग कितने देर में पहुँच जाएंगे, वहाँ से कितना किराया लगेगा। तो आज इस वीडियो में हम लोग आने जाने की बातें करेंगे ताकि आसानी से हम लोग कहीं भी आ जा सकें, अपने बारे में बता सकें, कहाँ जाना है सामने वाले से पूछ सकें आपको कहाँ जाना है। आज का वीडियो आने और जाने के बारे में है, ठीक है फ्रेंड्स? और सबसे अच्छी बात क्या है फ्रेंड्स मालूम है? आज हम लोग दो बहुत ही अच्छे वर्ड सीखेंगे। मालूम कौन सा? इंचू विंचू, दादा पू। ये सब एक एक शब्द जो है ना फ्रेंड्स जिसे बोलने में बहुत अच्छा लगता है, यूज करना है बिल्कुल इसी वीडियो में। आज हम लोग यूज करने भी सीखेंगे इंचू विंचू। चलिए आने जाने की बात शुरू करते हैं। सबसे पहले यदि हमें किसी भी जगह के बारे में पूछना है, यहाँ से विशाखापट्टनम कितनी दूरी है या कितनी दूरी पर है, कितना दूर है, या फिर हमें बोलना है यहाँ से विजयवाड़ा कितना दूर है, यहाँ से गुंटूर कितना दूर है, कोई भी जगह का नाम, तो जगह का नाम तो जगह का नाम रहेगा। पूछना है तो बोलेंगे यहाँ से के लिए क्या था, नुंडी या नुंची। यहाँ इकड़ा, याद है ना, इक्कर नुंची जो प्लेस का नाम रहेगा, विशाखापट्टनम विजयवाड़ा गुंटूर जो भी रहेगा विजय ना, तो फिर इक्कर नुंची विजयवाड़ा विशाखापट्टनम कितना इंता दूरम। इक्कर नुंची विशाखापट्टनम इंता दूरम, है ना आसान? बहुत आसान है फ्रेंड्स। इक्कर नुंची विजयवाड़ा इंता दूरम, इक्कर नुंची दिल्ली इंता दूरम, इक्कर नुंची गाजुआका इंता दूरम। कितना आसान है, नुंची भी बोल सकते हैं नुंडी भी बोल सकते हैं। और फ्रेंड्स यदि आप जो है ना पूरी तरह से पकड़ पाना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरह से सीखना चाहते हैं, तो अब देर किस बात की, अब तो आसानी से आप सीख सकते हैं। हमारा ऐप भी आ चुका है दीपा डायरी, और साथ ही साथ edu.deepadiary.com हमारा वेबसाइट है ही है, जहाँ पे आप स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरह से सीख सकते हैं। और फ्रेंड्स वहाँ पे जितने भी क्लास हैं सभी में चार तरह के कंटेंट हैं। क्लास के अंदर छोटे छोटे वीडियो जिसमें तेलुगु लोग किस तरह से बातें करते हैं, तेलुगु में किस तरह से बातें करते हैं, साथ ही रोज कन्वर्सेशन दो लोगों का, और गाना तो है ही है ताकि हंसते खेलते गाते हुए तेलुगु सीख सके। तो देर किस बात की, फटाफट ज्वाइन करिए और तेलुगु पे पूरी पकड़ पाइए। चलिए आज तो बात हो रही है आने और जाने की, तो इक्कड़ नुंची विशाखापट्टनम इंता दूरम यदि हमें करना है, यही कोई लगभग 10 किलोमीटर, यही कोई लगभग 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 को क्या कहते हैं, इंचू मिंचू, इंचू मिंचू, इंचू मिंचू, यही कोई लगभग 10 को पदी नंबर याद हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंचू मिंचू 10 किलोमीटर लो। तो फ्रेंड्स किलोमीटर तो किलोमीटर रहेगा, अब प्लूरल है 10 है तो लू लगा देंगे, किलोमीटर लू। अब तक हम लोग सीख ही लिए हैं जिस तरह से अंग्रेजी में यस और यस लगा के प्लूरल बनाते हैं, तेलुगु में लू लगा के बनाते हैं, ठीक है ना, लू। इंचू मिंचू 10 किलोमीटर लू, यदि मान लीजिए लगा यही कोई 2 किलोमीटर ऐसा, इंचू मिंचू 2 किलोमीटर लू ऐसा, ठीक है। आगे देखते हैं जाने की क्या क्या सुविधा है, यदि हमें पूछना है जाने की क्या क्या सुविधा है, सुविधा के लिए जानना पड़ेगा ना, सौ कार्य लू होते हैं उसको, सुविधाएं जाने की क्या क्या सुविधाएं हैं, सौ कार्य लू मतलब सुविधाएं। वेल्लडान की मतलब जाने की, वेल्लडान की एम एमी क्या क्या, एमी यहाँ एमी एमी नहीं बोलते, एम एम वेल्लडान की एम एमी सौ कार्य लू उन्नाई है, वेल्लडान की एम एमी सौ गैलो उन्नाई, जाने की क्या क्या सुविधा है। यदि कहना है बस से नहीं तो ट्रेन से जा सकते हैं, बस से नहीं
तो ट्रेन से जा सकते हैं, तो बस ही रहेगा, ट्रेन तो ट्रेन ही रहेगा। तो नहीं तो के लिए लेदा का प्रयोग करते हैं, लेदा, बस लेदा ट्रेन, बस लेदा ट्रेन मीदा से, बस लेदा ट्रेन मीदा वेलुच्चु, वेलुच्चु जा सकते हैं, वेलुच्चु जा सकते हैं, तो मालूम है ना, वेलुच्चु जा सकते हैं, तीनुच्चु खा सकते हैं, चोड़ुच्चु देख सकते हैं के लिए, मालूम है ना, बस लेदा ट्रेन मीदा वेलुच्चु, बस लेदा ट्रेन मीदा वेलुच्चु, मतलब बस से नहीं तो ट्रेन से जा सकते हैं। यदि कहना है बस से कितना समय लगेगा, यदि हमें पूछना है बस से कितना समय लगेगा, तो बस्सु मीदा, बस्सु मीदा एंता, कितना के लिए एंता, समयमु पड़तुंदी, बस्सु मीदा एंता समयमु पड़तुंदी, पड़तुंदी मतलब लगेगा, बस मीदा एंता समयमु पड़तुंदी, बस से कितना समय लगेगा, यही कोई लगभग एक घंटा, यही कोई लगभग दो घंटा, उसके लिए क्या शब्द है, दादापु, लगभग यही कोई लगभग, दादापु एक घंटा, दादापु यही कोई लगभग एक घंटा, घंटा को घंटा कहेंगे, घंटा को घंटा, एक को ओक, ओक्टे रेंडु मूडु याद हो गया ना, ओक दादापु एक घंटा, दादापु एक घंटा मतलब यही कोई लगभग जो है ना एक समय, इंच इंच को प्रयोग करते हैं, दादा का कोई प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। यदि हमें पूछना है फ्रेंड्स, ये तो बातें भी आने जाने के लिए, यदि हमें पूछना है रेलवे स्टेशन पे है राजधानी कब आएगी, ठीक है ना, गरीब रथ कब आएगी, किसी भी ट्रेन के बारे में जानकारी लेनी है, या फिर राजधानी कितने बजे आएगी, यदि हमें पूछना है राजधानी, तो नाम जो जो भी ट्रेन का नाम रहेगा तो नाम रहेगा ही रहेगा, तो राजधानी कितने, एन्नी 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 घंटल को वस्तुंदी, राजधानी एन्नी घंटल को वस्तुंदी, गरीब रथ एन्नी घंटल को वस्तुंदी, विजया एक्सप्रेस एन्नी घंटल को वस्तुंदी, तो जो भी नाम रहेगा एन्नी घंटल को मतलब बजे वस्तुंदी आएगी, एन्नी घंटल को वस्तुंदी कितने बजे आएगी, ठीक है, तो ऐसे भी इसका प्रयोग कर सकते हैं फ्रेंड्स, राधा कितने बजे आएगी, राधा एन्नी घंटल को वस्तुंदी, राधा कितने बजे आएगी, ठीक है ना। चलिए आपको कहाँ जाना है, यदि हमें पूछना है किसी से आपको कहाँ जाना है, जो हमारे बगल में बैठा है वो भी उसी के लिए तो इंतजार नहीं कर रहा है, तो मीरू एक्कड़की वेल्लाली, मीरू एक्कड़की वेल्लाली, मीरू एक्कड़की वेल्लाली, आपको कहाँ जाना है, ठीक है। यदि हमें कहना है मुझे दिल्ली जाना है, किसी ने मुझसे ही यह क्वेश्चन कर लिया, तो फिर क्या करेंगे, बोलना है मुझे दिल्ली जाना है, मुझे मुंबई जाना है, मुझे विशाखापट्टनम जाना है, मुझे हैदराबाद जाना है, तो नाकु दिल्ली वेल्लाली, नाकु दिल्ली वेल्लाली, वेल्लाली जाना है, नाकु मुंबई वेल्लाली, नाकु विशाखापट्टनम वेल्लाली, तो जहां भी जाना है नाकु मुझे, प्लेस का नाम वेल्लाली, जाना है तिन्नाली, खाना है चोड़ाली, देखना है, तो फ्रेंड्स बहुत आसान है, जब तक थोड़ा सा हम लोग अपना इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे ना तो फिर आएगा नहीं, तो सबसे पहला थोड़ा इंटरेस्ट पे करिए, निश्चित रूप से तेलुगु आसान तरीके से अपने आप अंदर आ जाएगा, और जब मौका आएगा ना तो अपने आप जो है ना वो बाहर भी निकलने लग जाएगा, बहुत मजा आएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको वीडियो ना निश्चित रूप से पसंद आ रही होगी, और पसंद आ रही है फ्रेंड्स तो फिर देर किस बात की, फटाफट कमेंट्स करके बताइए, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, और बहुत अच्छी लगती है तो दोस्तों को भी शेयर करिए, ठीक है फ्रेंड्स, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।